वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण बिंदु विराम चिन्ह का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ नई चीज सीखने के लिए मिलेगी। UKPSC, BPSC, UPPCS, UPSSSC या फिर RO ARO की तैयारी कर सकते हैं। देखिए ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से भी हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक रास्ता और भी है, आप प्ले स्टोर पर जाकर के वहाँ से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। आपको यहाँ पर ये वाला आइकन देखने के लिए मिलेगा, उस ऐप को इंस्टॉल करना और बैच सेक्शन में जाकर के आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज विराम चिन्ह की हम लोग बेसिक क्लास करेंगे, आज परिचय होगा, इसमें विराम को विस्तृत में बताया जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, पेन कॉपी के साथ बैठिए, जहां जरूरत पड़ेगी आप नोट्स बनाते चलेगा। क्लास देखिए, यहां पर आपके सामने सबसे पहले ये डेटा दिया विराम चिन्ह। बात करेंगे विराम चिन्ह की, विराम चिन्ह क्या होता है। देखिए विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, ठहराव का मतलब रुकना, मतलब जैसे आप कोई शब्द बोल रहे हैं वहां पे आपको रुकना है, किस प्रकार से रुकना है उसके बारे में मतलब ये विराम का मतलब होता है। अब विराम चिन्ह की बात करेंगे, देखिए लिखित भाषा में स्पष्टता लाने हेतु प्रयोग किए गए चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे देखिए जब हम कोई चीज बोलते हैं ना, जैसे एक शब्द बोला गया या फिर कोई भी एक वाक्य बोला गया, उस वाक्य में जिस स्थान पर विराम लगेगा वैसे उसका अर्थ निकलेगा। जैसे एक वाक्य है पढ़ो मत खेलो, ये वाक्य लिखा गया, देखिए आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे विराम ये लगा है ना, ये लगा है पढ़ो है ना, फिर यहाँ पे विराम चिन्ह लगा है, आगे लिखा है मत खेलो है ना। तो देखिए जब आपने ऐसा बोला पढ़ो मत खेलो, तो इसका तात्पर्य ये निकल रहा है कि आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, खेलने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक। वापस से आपने बोला पढ़ो मत खेलो है ना, देखिए यहाँ पे आपने विराम चिन्ह को जैसे ही बदल दिया तो आपका क्या हो गया, इसका दूसरे का अर्थ ये निकलने लगा कि आपको पढ़ना नहीं है आपको खेलना है। तो विराम चिन्ह देखिए जब हम शब्दों को बोलते हैं तो वहाँ पे हमारी भावनाएं प्रकट होती हैं, लेकिन जब लिखित भाषा में उसको प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पे कोई भावना नहीं होती है, तो विराम चिन्ह वहाँ पे भावना जागृत करने का कार्य करता है। अब हिंदी के विराम चिन्हों की बात करेंगे तो कामता प्रसाद गुरु है ना, ये हिंदी के एक प्रसिद्ध विद्वान है, इनके अनुसार जो विराम चिन्ह है हिंदी में 20 प्रकार के विराम चिन्ह माने गए। तो देखिए अलग अलग हिंदी के जानकारों के अनुसार अलग अलग विराम चिन्ह माना गया, हम लोग कामता प्रसाद गुरु के हिसाब से बात करेंगे। तो देखते हैं ये विराम चिन्ह कौन कौन से, देखिए इन्होंने विराम चिन्ह में किस किस को रखा है। सबसे पहले अल्प विराम, अल्प विराम को स्वल्प विराम भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है, ये इसका चिन्ह है। इस प्रकार आगे है अर्ध विराम जिसको सेमी कॉलन कहते हैं, सेमी कॉलन का चिन्ह ये दिया है। अगला जो आपका है पूर्ण विराम जिसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहा जाता है, इसका साइन ये है ना। आगे दिया है उप विराम, इसको कॉलम कहते हैं, कॉलम है ना, कॉलम का साइन यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह, इंग्लिश में इंटरजेक्शन है, यहाँ पे आश्चर्य वाली बात होगी है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह इंटेरोगेटिव, ये इसका साइन है ना। अवतरण या उद्धरण चिन्ह है ना, इसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। देखिए इन्वर्टेड कॉमा ना दो तरीके का होता है, एक सिंगल मतलब एकल होता है और एक होता है डबल, डबल का मतलब दो रहेगा। तो यहाँ पे जो साइन बना है ना ये डबल का है, सिंगल वाला आपको आगे बताया जाएगा। आगे विराम चिन्ह में कोष्टक है, देखिए कोष्टक है छोटा कोष्टक है, ये मझला कोष्टक है और ये बड़ा कोष्टक है, इसको इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। हाइफन, हाइफन का मतलब होता है योजक। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह क्या अभी आगे बताया जाएगा, विवरण चिन्ह। तो यहाँ पे 11 हो गए, और भी आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके बाद यहाँ पर दिया है निर्देशन चिन्ह जिसको डैश कहते हैं ना, पुनरुक्ति चिन्ह, रेखांकन मतलब अंडरलाइन, त्रुटिबोधक, त्रुटिबोधक को विस्मरण चिन्ह या फिर हंस पद भी कहा जाता है। आगे है पदलोप चिन्ह ओमिशन है ना, तुल्यता सूचक इसको इक्वल टू कहा जाता है। टीका सूचक, टीका सूचक का साइन अभी आपको आगे वर्णित किया जाएगा क्या होता है, समाप्ति सूचक ये रहा। और लास्ट में विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह कुछ ऐसा होता है। तो देखिए ये 20 प्रकार के विराम चिन्ह है जिसे कामता प्रसाद गुरु ने वर्णित किया है। अब एक एक विराम चिन्ह और उसके मतलब को हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसे कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। देखिए कामता प्रसाद गुरु ने जितने भी विराम चिन्ह लिए सब अंग्रेजी भाषा से उठाया गया। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं विराम चिन्हों के बारे में। देखिए सबसे पहला विराम चिन्ह आपका है अल्प विराम, अल्प विराम मतलब कॉमा है ना, कॉमा आपने देखा था पीछे ऐसे बना होता था है ना। तो कॉमा की अगर बात करेंगे तो अल्प समय के विराम हेतु प्रयोग किया जाता है। कोई भी आप वाक्य बोल रहे हैं, कोई भी शब्द बोल रहे हैं, उसमें अगर आपको बहुत कम समय के लिए या अत्यंत अल्प समय के लिए विराम लेना है तो आप कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो है ना, आपने सेंटेंस बोला मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो, देखो आपने बोला मैं जो कहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा विराम है, फिर आपने बोला ध्यान से सुनिए। फिर देखिए जहाँ, देखिए वह जहाँ जाता है लोगों को परेशान करता है। अब इसमें जब आपको ये बोलना होगा वह जहाँ जाता है लोगों को परेशान करता है, तो यहाँ पे आप है के बाद विराम लगाएंगे, वह जहाँ जाता है लोगों को परेशान करता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स रहे। इसी प्रकार से आगे है अर्ध विराम, अर्ध विराम का मतलब क्या होता है। देखिए अर्ध विराम का प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों एवं किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने के लिए होता है। देखिए जैसे एक वाक्य लिखा गया है ना, अब वाक्य में कई अलग मतलब एक वाक्य में कई अलग अलग छोटे छोटे वाक्य, तो उनको अलग अलग रखने के लिए, देखिए अल्प विराम में सॉरी अर्ध विराम में अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक ठहराव होता है। मतलब अल्प विराम में आपने जितना ठहराव लिया था उससे थोड़ा सा अधिक ठहराव अर्ध विराम में होगा। जैसे देखिए हम पहले सोच विचार कर योजना नहीं बनाते, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है इसलिए हमारे लक्ष्य पूरे नहीं होते है ना। इसके अतिरिक्त आप और भी लिख सकते हैं जो भी सेंटेंस है। जैसे देखिए राजा अपनी
प्रजा को खुशहाल नहीं रख पाता था, है ना। फिर यहां पे आप लगाएंगे, इसलिए प्रजा ने उसका बहिष्कार किया। ठीक, चलिए आते अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड यहां पे देखिए दिया है पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम की बात करेंगे, पूर्ण विराम का प्रयोग कहां पर होता है, तो पूर्ण विराम का अर्थ होता है, देखो इसका अर्थ क्या होता है, पूरी तरह से रुकना या ठहरना, मतलब आप पूरी तरीके से रुक जाएंगे। अब पूर्ण विराम का प्रयोग ना तब किया जाता है जब एक वाक्य पूर्ण हो जाए, कोई भी वाक्य पूर्ण हो जाता है तो वहां पे इस पूर्ण विराम का यूज किया जाता है। एक तो यहां होता है, इसके अतिरिक्त आपने कोई दोहा पढ़ा होगा, दोहे में भी आपने देखा होगा लास्ट में ऐसे पूर्ण विराम लगा रहता है, कहीं कहीं एक, कहीं कहीं दो। देखिए जैसे वह एक समृद्ध राजा था, सेंटेंस पूरा है, बगीचे में कोयल गा रही है, ठीक है, ये भी हो गया। राम विद्यालय जा रहा है, मतलब यहाँ पे पूर्ण विराम, आपने हिंदी में जरूर इसको देखा होगा। आगे है विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह, है ना। अब विस्मयादि बोधक का मतलब क्या, इससे आपको आश्चर्य का बोध होगा, मतलब कोई भी चीज रहेगा जहां पे आश्चर्य हो जाएगा। ठीक, इस विराम चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, हर्ष, विषाद मतलब दुख हो गया, घृणा, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए जैसे कितना सुंदर घर है, मतलब कितना अच्छा घर है, देख के आश्चर्य आ गया, अरे वह मर गया, मतलब यहाँ पे देखिए ये भी आश्चर्य की बात है। ठीक, जैसे देखिए वाह मैं पास हो गया, है ना, तो देखिए यहाँ पे आपने, यहाँ पर भी आश्चर्य की बात है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें विस्मय आदि बोधक को आप क्लियर करेंगे। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में देखिए क्या दिया है, अगले स्लाइड में आपको दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो जब प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब कहीं भी ना प्रश्न पूछना है तो वहां पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे देखिए क्या तुम हिंदी बोलना जानते हो, देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया क्या तुम हिंदी बोलना जानते हो, ये रहा, है ना, जैसे मैं तुम्हारी सहायता यहाँ पर रुकी, मैं तुम्हारी सहायता क्यों करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप ये सेंटेंस है, मैं तुम्हारी सहायता क्यों करता हूँ। देखिए आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी प्रकार अगला है अवतरण चिन्ह, है ना। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह कहा जाता है, पीछे मैंने इसका वर्णन किया। अवतरण चिन्ह मैंने बताया भी था कि दो तरीके का होता है, देखिए एक सिंगल, है ना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। सिंगल का मतलब यहाँ पे ये एक बार रहेगा, ये ऐसे बना रहेगा, ठीक, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, और डबल का मतलब दो हो जाएगा। देखिए सिंगल और डबल में फर्क क्या होता है, जब कभी भी आपको कोई एक शब्द रखना होगा तो वहां पे आप सिंगल का यूज करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के एक अंश अथवा एक शब्द के लिए किया जाता है, उसको एकल कहेंगे। और देखिए जैसे यहाँ पे लिखा भी है, जैसे प्रजातंत्र, देखिए प्रजातंत्र एक शब्द है, ना, प्रजातंत्र क्या का अर्थ क्या है मैं जानती हूँ, मतलब प्रजातंत्र का अर्थ क्या है ये मुझे पता है, तो यहाँ पे एक शब्द था प्रजातंत्र, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सिंगल का यूज किया है। अब अगर युगल की बात करेंगे, मतलब डबल की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि इसमें वाक्यों का समूह रहता है, वाक्यों का मतलब एक ग्रुप रहेगा, शब्दों का ग्रुप रहेगा। जैसे देखिए समझाने का, मनुष्य नश्वर है ना, मतलब मनुष्य नश्वर है, तो यहाँ पे देखिए ये आपने इसको रखा, ये नश्वर है ना। इसके अतिरिक्त आपने इंग्लिश जब पढ़ा होगा तो अंग्रेजी में आपने देखा होगा जब स्पीच की बात होती है, स्पीच, है ना, स्पीच में आप देखेंगे जो डायरेक्ट जब स्पीच को दिया जाता है, जब वहां पे नरेशन की बात आती है ना, नरेशन में जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना, मतलब डायरेक्ट शब्दों को रखा जाता है, उसमें क्या किया जाता है, उस पर डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए आगे अगला डेटा क्या दिया, कोष्टक चिन्ह। अब कोष्टक चिन्ह की बात करेंगे, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो कोष्टक ऐसे होते तो चार तरीके के, लेकिन हिंदी में तीन कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए तीन कौन कौन सा, एक छोटा कोष्टक, है ना, दूसरा मझला कोष्टक और तीसरा बड़ा कोष्टक, इन तीन चिन्हों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। देखिए अब छोटा कोष्टक क्या होता है, किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए लघु कोष्टक मतलब छोटे कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। देखिए छोटे ब्रैकेट में जो भी चीज लिखी रहती है ना, वाक्य पढ़ते समय उसको नहीं पढ़ा जाता है। जैसे सुमित्रा ने उर्मिला से कहा, देखो सुमित्रा उर्मिला ने कितना सहा है, कौन सा है, मतलब ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत लिखा है, रुके मैं इसको सही कर देता हूं, है ना। देख सुमित्रा ने कहा, ठीक, उर्मिला ने जितना, देखो यहां पे ब्रैकेट में दर्द लिख दिया, सहा है कौन सा हैगा। ठीक है, अब सुमित्रा ने कहा उर्मिला ने जितना सहा है कौन सा हैगा। अब यहाँ पे दर्द लिखा है ना, तो दर्द उसको एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे दर्द आपको पढ़ना नहीं है ना, मतलब ये नियम होते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ा कोष्टक इसकी बात करेंगे, तो बड़ा कोष्टक जो होता है किसी कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कोई अतिरिक्त डेटा देना उसके लिए। ठीक, और मझला कोष्टक भी इसी माध्यम में कुछ होता है। चलिए आते हैं निर्देशन चिन्ह। निर्देशन चिन्ह कथन की स्पष्टता के लिए निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए नीना ने कहा, है ना, अब उन्होंने क्या कहा, वह बीमारी के कारण नहीं आई थी, तो यहाँ पे ये डैश लगा करके आगे स्पष्ट किया गया कि बीमारी के कारण नहीं आई थी। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड यहाँ पे दिया है अब लोप चिन्ह। देखिए लोप विराम क्या होता है, लोप विराम का मतलब होता है कि जब कोई चीज नहीं लिखी जाती। देखिए फिर हम लोग बात करेंगे लोप विराम। लोप विराम क्या होता है, जब किसी कथन को कहना नहीं हो बल्कि पाठक को विचार करने के लिए, उसकी कल्पना करने के लिए छोड़ना हो, तो तीन बिंदुओं का लोप चिन्ह लगता है। देखिए
लोप चिन्ह का मतलब क्या है कि आप कोई बात बोल रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, आपने ऐसे डॉट 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 लगा के छोड़ दिया। इसका मतलब कि अब आप आगे नहीं बता रहे, अब आप छोड़ रहे हैं उस सामने वाले के ऊपर कि आप वो विचार करें। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे देखो, तुम ठीक रास्ते पर चलो वरना, है ना, आपने यहाँ पे डॉट 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 लगा के छोड़ दिया, इसका मतलब है कि अब आगे क्या होगा तुम विचार करो। ठीक, जैसे देखो, राम ने कहा वह कल सुबह तक नहीं आया तो, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है कि वह कल सुबह तक नहीं आया तो, इसका मतलब आगे क्या होगा, ये चीज़ें। ठीक, अब आगे बात करेंगे लाघव विराम। देखिए लाघव विराम की अगर बात किया जाएगा, लाघव विराम क्या होते हैं, किसी बड़े शब्दों को छोटे रूप में लिखने के लिए लाघव विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे डॉक्टर लिखा है, पुलिंग लिखा है, देखिए आपने देखा होगा जैसे लिखा जाता है पूर्व माध्यमिक विद्यालय, है ना, ऐसे लिखा रहता है पूर्व माध्यमिक विद्यालय, है ना। पूर्व माध्यमिक विद्यालय को आपने जरूर देखा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, पू लिखा रहेगा, माँ लिखा रहेगा, है ना, फिर इसके बाद वी लिखा रहेगा। ठीक, इसी तरीके देखिए आपने फुल फॉर्म वाले सेंटेंस देखा होगा, जैसे MBBS, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन इसका अगर फुल फॉर्म निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब निकलेगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड है त्रुटि चिन्ह या हंस पद, है ना। त्रुटि चिन्ह की बात करेंगे कि त्रुटि चिन्ह क्या है या हंस पद चिन्ह क्या है। तो जब कभी भी ना कोई चीज़ गलत हो जाए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लेखक जब किसी शब्द या वाक्यांश को लिखते समय भूल जाते हैं, मतलब कुछ गलती हो जाती है, बाद में ध्यान आने पर कुछ नया जोड़ना चाहते हैं, तो हंस पद या त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कोई सेंटेंस लिख रहे थे, कोई वाक्य लिख रहे थे, कुछ आर्टिकल आपसे छूट गया, है ना, जो चीज़ छूट गया है अगर उसको वापस से लिखना है आपको, आप दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हंस पद का प्रयोग होगा। जैसे देखिए मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ पे छूट गया तो आपने लगा लिया बच्चे, है ना, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। ठीक, जैसे और कोई भी चीज लिख सकते हैं, जैसे वह शर्ट में है, ठीक है, आपने सेंटेंस लिखा हुआ शर्ट में, अब यहाँ पे डेटा छूट गया, मान के चलिए लाल शर्ट है, तो आप ऐसे लिख लेंगे वह लाल शर्ट में। तो ये होता है हंस पद या त्रुटि चिन्ह। आगे है रेखांकन विराम। रेखांकन का मतलब होता है अंडरलाइन, है ना, किसी चीज को आपको हाईलाइट करना है, किसी चीज को ज्यादा विशेष जोर देना है, देखिए वहां पे अंडरलाइन का प्रयोग किया। जैसे देखिए किसी कथन में कुछ वर्ड शब्द वाक्यांश वाक्य विशेष महत्व के होते हैं, उन पर पाठक का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करने हेतु रेखांकन का प्रयोग किया जाता है। मतलब आप अंडरलाइन कर देंगे तो उन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना होता है ना, अपने बचपन में नोट्स बनाते समय ऐसा किया भी होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, अगला स्लाइड, है ना। अगले स्लाइड पे देखिए क्या दिया, अगले स्लाइड पे इन्फॉर्मेशन है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का मतलब जैसे आप आगे कुछ बताना चाहते हैं, आपने कभी नोट्स बनाया होगा, लिखा होगा कि जिसका वर्णन निम्न लिखित है, फिर आप ऐसे विवरण चिन्ह लगाते हैं कि नीचे इसका वर्णन दिया गया। देखिए किसी कथन पर विस्तार करना हो, व्याख्या विश्लेषण करना हो, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए भारत में मानसून के निम्नलिखित कारण है, आपने डैश लगा दिया, अब यहाँ पे जो भी कारण है आप नीचे से लिखेंगे, ये विवरण चिन्ह का मतलब है। अब आगे है अनुवृत्ति चिन्ह। अनुवृत्ति चिन्ह का मतलब क्या होता है, देखिए ये ना आवृत्ति चिन्ह भी आप इसको बोल सकते हैं, जब लिखे हुए शब्द या वाक्य के नीचे सेम आवृत्ति हो। जैसे देखिए यहाँ पे ना श्रीमती अनीता देवी, देखिए आपको श्रीमती लिखना है तो आप ये साइन ऐसे लगा देंगे, इसका मतलब नीचे सेम आएगा। जैसे देखिए राम एक मेहनती मेहनती लड़का है, आपने एक सेंटेंस लिखा, है ना। अब आगे आपको लिखना है कि श्याम एक मेहनती लड़का है, तो आप लिखेंगे श्याम, है ना, और ऐसे पूरा डैश दे देंगे, इसका मतलब क्या है कि एक मेहनती लड़का है ना, इसको अनुवृत्ति चिन्ह या आवृत्ति चिन्ह कहा जाता है। आगे है देखिए विकल्प चिन्ह। जब कई विकल्पों को एक साथ प्रस्तुत करना होता है तो वहां पे विकल्प चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिया, देखिए स्मरण चिन्ह, हंस पद, त्रुटि चिन्ह, है ना, इसकी बात करेंगे क्या होता है, देखिए ये सब हो गए, है ना। अब यहाँ पे ये सब ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने ये विकल्प दे दिया कि ये जैसे आपने और पढ़ा ना, और इंग्लिश में या हिंदी में या लिखा जाता है, तो उसका जो चिन्ह होता है यही आपका विकल्प चिन्ह है। आगे है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब जोड़ने का काम करेगा, इसको इंग्लिश में हाइफन कहते हैं, है ना, हाइफन चीजों को जोड़ने का कार्य करेगा। जैसे देखिए योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने, समास बनाने, शब्द एवं कारक चिन्हों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पे माता पिता, आपने माता और पिता को इस चिन्ह से जोड़ दिया। आपने लिखा पद यात्रा, आपने पद और यात्रा को जोड़ दिया। गृह कार्य, आपने इसको जोड़ दिया, तो यहाँ पे इसको योजक चिन्ह कहेंगे, इसको इंग्लिश में हाइफन कहा जाता है। आगे अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम क्या होता है, जहां पर एक मंतव्य के भी एक से अधिक भाग होते हैं उस मंतव्य के पूर्व भाग के बाद अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अहिंसा मनुष्यता है, ठीक है, हिंसा पशुत्व, ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपूर्ण विराम का प्रयोग किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पे यहाँ पे क्या दिया, अगला स्लाइड है देखिए उपविराम। उपविराम का मतलब है विशेष तौर पर किसी कथन को दिखाने हेतु उपविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई कथन रहेगा उसको दिखाना होगा तो वहां पे आप उपविराम का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं अगला विराम चिन्ह। अगला विराम चिन्ह है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक का मतलब जब किसी घटक की समाप्ति हो जाती है। देखिए आपने चैप्टर देखा होगा, जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके अंत में विशेष प्रकार के चिन्ह बने रहते हैं, है ना, उसी को समाप्ति सूचक कहते हैं। जैसे मान के चलिए आप कोई नाटक पढ़ रहे थे, नाटक खत्म हो गया ना, नाटक खत्म होने पर ऐसे साइन बना हुआ है ना, इसके अतिरिक्त ऐसे भी कई बार बना रहते हैं, है ना, तो ये जो समाप्त होने पर इंडिकेट करते हैं उसे समाप्ति सूचक कहते हैं। अगला है टीका सूचक। टीका सूचक भी क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्पेशल साइन होता है, स्टार हो गया, है ना, ऐसे स्टार लगा रहेगा, बॉक्स बन जाएगा, है ना, प्लस का साइन रहेगा, इसको टीका सूचक कहते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले स्लाइड पर। ठीक,
देखिए यहां तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ मतलब विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं इसको मैंने पूरा वर्णित कर दिया। अब विराम चिन्ह से क्वेश्चन जिस प्रकार के आते हैं है ना, तो वहां पे क्या होगा, अब इसको अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा, फिर भी मैं आपको एकाक दो क्वेश्चन यहां पे करके दिखा देता हूं कि विराम चिन्ह से। देखिए हम लोगों ने विराम चिन्ह को पूरा कर लिया है ना, अब विराम चिन्ह से जुड़े कुछ प्रश्न मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना, ये प्रश्न मैंने अभी लिखा है ना विराम चिन्ह डन करने के बाद। अब यहां पे आपको उचित विराम चिन्ह लगाना है वाक्य नंबर 1, 2, 3, 4, इसमें क्या विराम चिन्ह आएगा जिससे वाक्य पूरी तरीके से सही हो जाए, ये आपको कमेंट करना है। ठीक, वीडियो पॉज कीजिएगा, इसको कमेंट कीजिएगा, या फिर आप अपने मन में इसको सेट कर लीजिएगा कि यहाँ पे यही चीज लगेगा, इसके बाद आप उत्तर देखेगा कि आपका चार में से कितना प्रश्न सही है। देखिए माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। देखिए आपने अभी अभी देखा था हाइफन का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे माता पिता है ना के चरणों में स्वर्ग होता है, तो यहाँ पे हाइफन लगेगा, माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। अब ये वाक्य बिल्कुल सही है। दूसरा वाक्य क्या कहा, वह ईमानदार है। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्वेश्चन चिन्ह दिख रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा पहला। अब देखिए क्या कहा है ना, यहाँ पे हल्का सा विराम आएगा, क्या कहा मतलब थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा है ना, यहाँ पे ये कॉमा लगेगा फिर क्वेश्चन मार्क। अगला है सेठ अमरनाथ अपने बच्चों को उलझा कर चले गए है ना, देखिए सेठ अमरनाथ है ना, अब यहाँ पे कॉमा लगेगा, अपने बच्चों को उलझा कर चले गए है ना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है नहीं, यह नहीं हो सकता है ना, देखो जब आप बोलेंगे नहीं फिर यहाँ पे विराम 100% आएगा, तो यहाँ पे लगाएंगे नहीं, यह नहीं हो सकता। तो ये विराम चिन्ह की हम लोगों की कंप्लीट क्लास रही है।